हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट राउंड सी का सेकंड प्रॉब्लम। सो ये राउंड 2022 का राउंड सी है, इसका सेकंड प्रॉब्लम जिसका नाम है रेंज पार्टीशन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर डैट मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम न्यू पासवर्ड का भी वीडियो अपलोड किया है। सो अगर आपको डाउट है किसी भी तरीके के एंड आपने वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर से देख लेना, उसका लिंक आपको आई बटन पर आ रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन बी पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बी टफ़ नहीं है, बट बहुत सिली मिस्टेक मैंने की है इसमें, एंड आप इसका देख रहे हो परिणाम क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, बहुत छोटा सा मिस्टेक, लाइक मैं फाइंड आउट ही नहीं कर पाया बहुत देर तक, तो बट कोई नहीं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे दो पीपल हैं, ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, नंबर के साथ खेल रहे हैं। नंबर क्या है आपके पास, 1 to n है। तो मैं आपको सीधा सीधे बोर्ड पे समझाता हूँ। लेट सपोज यू एंड मी हैं, आप और हम खेल रहे हैं नंबर के साथ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अपना जो है, मैं सेकंड प्लेयर हूँ और आप हो फर्स्ट प्लेयर, ठीक है। ये आप हो यू एंड ये मैं हूँ मी। अब हमारे पास क्या है, टोटल 1 to n जो है वो नंबर हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि नंबर चूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है एक रेशियो है जिसको ये लाइक करता है, तो ये चाहता है कि नंबर जो है, ठीक है, जैसे कि मैजिक रेशियो जिसमें विश्वास रखता है, मतलब ये इसको लाइक करता होगा इस रेशियो को। अलान जो फर्स्ट प्लेयर है वो चाहता है कि कुछ इस तरह चूज किया जाए कि सम जो होगा उन दोनों का, मान लो मैंने कुछ नंबर चूज किए हैं लाइक 1, 2, 3, 4। मैं आपको एक्सप्लेन ही करता हूँ एग्जाम्पल से। लेट सपोज कि आपने चूज कर लिया है 1, 2, ठीक है, यहाँ पे 3 है इसका सम और रेस्ट जो बच गए उसका सम 7 होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है कि दिया हुआ कि आपका जो इस तरह चूज करना है एलिमेंट को सच दैट कि सम जो है वो एक्स रेशियो वाई में हो, मीन्स इसका जो सम है फर्स्ट प्लेयर का सम 1 एंड सेकंड प्लेयर का आपको पता, अगर सम 1 अगर फर्स्ट प्लेयर का मुझे पता है तो डायरेक्ट सेकेंड प्लेयर का निकल जाए, तो सम 2 जो इसका होगा सेकेंड प्लेयर का, इन दोनों का जो रेशियो है वो एक्स रेशियो वाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हमें इम्पॉसिबल प्रिंट करनी है। अगर प्रिंट पॉसिबल मीन्स पॉसिबल एक है, कोई एक तरीका है जिसमें कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो पॉसिबल प्रिंट करना है। एंड उसके साथ आपको एक और दो चीज़ और प्रिंट करना है, पहला कि साइज क्या होगा अलान सबसेट मीन्स फर्स्ट जो प्लेयर खेल रहा, ठीक है, ये प्लेयर खेल रहा, ये प्लेयर जो अपना नंबर चूज करेगा, तो जो सबसेट चूज किया जैसे 1, 2 चूज किया इसने, तो कितने नंबर चूज किए, तो बेसिकली ये साइज हो गया इसका, ठीक है, सबसेट का साइज एंड वो सारे एलिमेंट जो इसके सबसेट में हैं। तो ये तीनों चीज़ हमें प्रिंट करनी है। अगर नहीं पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल से प्रिंट करना, इसमें कुछ और प्रिंट नहीं करना। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो अपने पास नंबर हैं 1 to n, मतलब कि ये मैं सारे कंसेक्यूटिव नंबर लिख रहा हूँ अप टू n, तो ये क्या हो गया ऐसा है। और जबकि अगर n है तो हम समझ रहे हैं कि अगर सारे n नंबर हैं तो सबसे पहले भाई सम, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो ये वाला चीज़ आप सोचना, ठीक है, इसके बाद आपको लाइक कुछ ना कुछ तो मिलेगा हिंट। इतना सम होगा टोटल और एक बंदा चाह रहा है कि मुझे x और y के रेशियो में सम चाहिए, मतलब कि फर्स्ट प्लेयर को x इंटू कोई k एक नंबर होगा जहाँ सम चाहिए और इसको कोई y इंटू k का सम चाहिए, ठीक है, ये चाहिए इसको। अब देखो एक्स और के और वाई के है तो इन दोनों का सम टोटल ये होगा, मीन्स अगर ये सबसेट है फर्स्ट सबसेट और सेकेंड दोनों को मिलाकर टोटल नंबर 1 to n हो जाएगा। तो बेसिकली एक्स के प्लस वाई के दोनों प्लेयर का जो सम है, तो दोनों प्लेयर क्या करेंगे, सारे नंबर कहीं ना कहीं होंगे, मीन्स कुछ नंबर मेरे पास है कुछ नंबर आपके पास होगा, तो इस केस में सारे नंबर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल सम जो होगा वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है दोनों केस में। सो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर करने वाले हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, के को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली ये मुझे मिल जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे और होगा x प्लस y, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा कि जो अपना ये जो टोटल सम है अप टू n नंबर वो x प्लस y से डिविजिबल होना ही चाहिए, तभी ये रेशियो पॉसिबल है, तभी ये मुझे एक, अगर इंटीजर अरे के नहीं मिल रहा तो ये रेशियो ही पॉसिबल नहीं है, एंड इंटीजर अगर एक के मिलता है तभी ये रेशियो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये
के नहीं मिला, मीन्स ये डिविजुअल नहीं है एक्स प्लस वाई से, तो इम्पॉसिबल है, यहीं पे निकल गया। तो पहला जो अपना पॉइंट है हम नोट करते हुए चलेंगे, इसको हम रेट से ही रखते हैं, ठीक। अब क्या है कि अपना जो टोटल सम है, इसको मैं टोटल सम कह सकता हूँ, या सम टोटल जो भी है, मैंने शायद कोड में इसको सम टोटल रखा। तो ये जो है वो एक्स प्लस वाई से अगर हम डिवाइड करें, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर रिमाइंडर परफेक्ट इंडिविजुअल होने के लिए रिमाइंडर को चेक करते हैं, तो अगर रिमाइंडर देखेंगे तो वो इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जीरो नहीं हुआ तो इम्पॉसिबल, और जीरो हो गया तो पॉसिबल तो है। अब है हमारे पास कि चलो यार, एक तो मतलब हो चुका कि पॉसिबल है, अब हम ये निकालना कि वो सबसेट कैसे निकालना है, सच डेट इसका सम जो एक्स के है, एक्स के जो हमारा अपना सम है अपना, ये एक सबसेट निकालने है, और उस सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो भी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1, 2, 3 टिल n तक सारे नंबर अपने पास हैं, और इसमें से कुछ नंबर ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे मिलकर एक सबसेट बन रहा होगा जिसका सम होगा x इंटू के। देखो ये रेशियो x था, तो अगर इसका सम चाहिए होगा तो x इंटू के, और k वो नंबर है जो x प्लस वाई को डिवाइड करने पर आया होगा इसमें, ठीक है। x प्लस वाई से अगर डिवाइड किया है इतना को हमने, तो वो हमारा k आया होगा, ठीक है। और ये हमने x में मल्टीप्लाई किया, सो बेसिकली ये x है यहाँ पे से, तो ये आप समझ रहे हो, ओके। तो ये हमारा सबसेट होगा। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं इसमें इनिशियली शुरू करता फर्स्ट से, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस, प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे लास्ट नंबर से शुरू करूँगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर n जो है अपना बेसिकली, अगर n इस सम में चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं मुझे मैं दे दूंगा इसको, और अगर n नहीं चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं इसको इससे कम सम, कोई नंबर जो होगा उससे कम वाला नंबर चाहिए होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये है, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, अरे को मैं सिंपल सा मान लेता हूँ, ये 6, 5, 11 बस इतना ही है एक, ठीक। अब देखो 11 मैंने तो देख लिया कि 5 और 6 का एक एरे, अब बाकी जो अब सम है तो बाकी सम जो होगा 8, 7, 15, 15, 4, 19, 21, 23, 25, 20, 25, ठीक है। तो ये 25 है, तो अब रेशियो जो है वो 11:25 है, ठीक है। अब देखो 11 सम मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे लास्ट नंबर इसको दिया 8। 8 देने के बाद क्या होगा, अब सम मुझे 3 चाहिए, तो बेसिकली मैंने इसमें -8 किया। अब 3 मुझे और सम चाहिए, अब 3 और चाहिए, तो क्योंकि 8 मैंने दिया है तो अब जो भी नंबर चाहिए वो 8 से कम ही चाहिए होगा, ठीक है। तो 8 से कम चाहिए तो मैं 7 को देखूंगा, नहीं है। तो अगर 7 नहीं चाहिए, मीन्स कहीं ना कहीं एकदम छोटा नंबर चाहिएगा, तो भाई एक ही बार मैं यहाँ पे दूंगा 3, और ये हो जाएगा अपना ख़त्म, ठीक। और नहीं तो अगर मान लो कहीं ऐसा हो कि 7 चाहिए होगा, फिर 6 चाहिए होगा, 5 चाहिए होगा, ऐसा कंटिन्यू मैं मान लो यहाँ तक लेता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, टोटल जो है इसको 11:25 ना लेकर मैं इसको 8 यहाँ पे है, इस 2 को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा 2 को छोड़ दे, बाकी सब ले लेते हैं, 8, 7, 15, 5, 20, 20, 10, 30, 33, 34, 34 है, तो 34 रेशियो अपना 1 होगा यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या होगा, 34 पे मैं आया हुआ, 34 में 8 को सब्ट्रैक्ट किया, अब अपना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 8 अभी भी इससे ज़्यादा है, मीन्स हम इसको दे सकते हैं, अगर नहीं दे रहे होंगे तो सीधे कहीं ना कहीं एक दूसरा इंटीजर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, ठीक। तो ये अगर देंगे तो यहाँ पे 26 बच रहा होगा, फिर मैं 7 को चेक करूँगा, 7 इसमें है, मीन्स दे सकते हैं, और इसका समय भी ज़्यादा होगा, मीन्स अभी रिक्वायरमेंट है, तो अब इसको देंगे तो 19 बचेगा। फिर से ये सम जो है इस प्रीवियस नंबर से, ये नंबर से ज़्यादा है या इक्वल भी है तो देंगे, तो फिर 13 बचेगा अपने पास, एग्जैक्ट हम 5 देंगे तो फिर अपने पास 8 बचेगा, एंड आफ्टर देन 4 बचेगा, ठीक है। 4 को देंगे तो 4 में अगर 3 हमने दिया तो अब रिक्वायरमेंट हमारी 1 बच रही होगी, और 1 जो है यहाँ पे 2 देखो, अब 2 यहाँ पे जो आ रहा ये हमारी रिक्वायरमेंट से बड़ी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू है इसका मतलब कहीं ना कहीं, इसके पहले तो सारी वैल्यू से छोटी होगी, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं ये एरे में इस साइड में प्रेजेंट होगा, तो एग्जैक्ट ये वाली नंबर मुझे यहाँ पे चाहिए होगी, तो मैं इस सब को काउंट कर लूँगा और इसको अपने वेक्टर में ऐड करूँगा, और एग्जैक्ट ये वाली जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है डायरेक्ट इसको ऐड कर दूँगा,
तो लास्ट में क्या होगा, अपने वेक्टर का जो साइज होगा वो मैं प्रिंट करूंगा और पूरे वेक्टर को ऐसा प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे है, आपका जो लास्ट वैल्यू आपने 8 से चेक किया है ये मुझे रखना होगा एक छोटा सा वैल्यू से। लाइक यहाँ पे मैं कोड में आपको एक पहले दिखाता हूँ, कोड में मैंने रखा है मिनिमम ऑफ टेम्प और एन। तो जो ये सम आ रहा है 34 और ये एन है, इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा वहाँ से मुझे शुरू करना है। ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है कि अकेले ये सिर्फ 7 हो, जैसे इसी को उल्टा कर दो 1:34 कर दो, तो मैं 8 से चेंज चेक करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी आप चाहोगे तो वही चीज़ होगा, डायरेक्ट 1 पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे वही मैंने टोटल सम निकाला, टोटल सम को x प्लस वाई से डिवाइड कर रहा हूं। अगर 0 है तो पॉसिबल है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल होगा। ठीक, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो टेम्प निकाल रहा हूं जो आपका था, डिवाइड किया मैंने, तो डिवाइड में जितना है उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, वो बेसिकली ये एक्स के हो गया आपका, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था एक्स के वाला पार्ट है वो मैंने निकाल लिया टेम्प में। अब नंबर में बेसिकली कहाँ से मैक्सिमम शुरू कर सकता हूँ, तो वो मैंने वहाँ से शुरू किया, वी में रखता गया। जब तक टेम्प ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं रखूँगा, मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है अभी तक बची हुई है, और वो जो नंबर ले रहा हूँ मैं उससे बड़ी या इक्वल वैल्यू है तो मैं इस टेम्प को, उस नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, अपने वेक्टर में ऐड किया। बेसिकली ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 8 जो है और ये 34 है, तो 34 जब तक की बड़ी वैल्यू अपने इस वैल्यू से या इक्वल भी है तो भी चलेगी, तो इस वैल्यू को मतलब इंक्लूड करना होगा मुझे अपने आंसर में। तो मैंने आंसर में इंक्लूड किया, इसका अगर काम हो गया तो अपनी टेम्प सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये नंबर पीछे आ गया। मैं लास्ट से शुरू करूँ तो 8 से 7 पे आ गया, तो नंबर माइनस माइनस, अदरवाइज एग्जैक्ट वो सेम नंबर कहीं ना कहीं मुझे एरे में मिल रहा होगा। सो ये वाली मैं चीज़ करूँगा और डायरेक्ट ये पुशबैक हो जाएगा। सो फाइनली मुझे इसके साइज से मुझे काउंटिंग मिल जाएगी कितनी इसकी काउंट होनी चाहिए, एंड पूरे वेक्टर को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था, एंड आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कोड सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।